प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय का है। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पेपर को देखने के बाद में आपकी कल होने वाली वार्षिक परीक्षाओं अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी इससे मदद आपको मिल जाएगी। तो इसलिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय का यह पेपर पूरा अवश्य, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए काफ़ी IMP प्रश्न हैं, आप इनको देख लें और इनको हल भी कर लें कि कौन सा सही उत्तर है। और इसके बाद में रिक्त स्थानों की बात करें, सही जोड़ी की बात करें, तो ये हैं कुल, आप इनको देखते चले वीडियो को और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख लें। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, आप इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें। और इसी क्रम में देखें एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न की, तो वो ये रहे। और इसी के साथ में अगर हम देखें तीन अंक के प्रश्नों को, तो तीन अंक के प्रश्न ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लें। ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए काफ़ी IMP प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लें। जैसे कि भूगोल की एक परिभाषा दीजिए, भूगोल के दो महत्व बताइए, भूकंप किसे कहते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। आप इस प्रकार से ये जो बेसिक प्रश्न हैं अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये जो प्रश्न हैं खासकर वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी IMP है, ये भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको अच्छे से अध्ययन कर लें। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, जैसे कि ये रहा संघनन किसे कहते हैं, वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, अथवा ज्वालामुखी के प्रकार बताइए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करें। काफ़ी समय आपके पास में, अभी तो रात भर में चाहे तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ये काफ़ी IMP प्रश्न हैं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय के हैं, आप इनको नोट कर लें और इनको अच्छे से याद कर लें, अध्ययन कर लें। ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय में पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका रख सकते हैं। जैसे कि वातावरण किसे कहते हैं, पाताल तोड़ कुआं किसे कहते हैं, तापमान की विलामता किसे कहते हैं, ये प्रश्न है, काफ़ी IMP प्रश्न है ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए, आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लें। और देखते हैं हम इसी क्रम में आगे के प्रश्न, तो आगे और कौन कौन से प्रश्न हैं उनको भी आप देख लें। तो आगे अगर बात करें हम इसी क्रम में, ये कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कीजिए, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समझाइए, तो ये IMP प्रश्न है अर्धवार्षिक कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए, जो कि कल आपकी होने वाली परीक्षा है। तो ये था अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल कक्षा 11वीं विषय के लिए एक वीडियो, जो कि आपकी कल होने वाली वार्षिक परीक्षा कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल विषय में काफ़ी आपकी मदद करेगा। इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। इसी के साथ में मैं वीडियो से विदा लेता हूं, धन्यवाद।